रेड कारपेट बिछा रखे है देखो मतदाताओं के लिए, और लोग भी आ रहे हैं मतदान देने के लिए। ये देखिए बहुत रावण बन रहे हैं बड़े बड़े, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आ रहा है दशहरा, कौन सा चैनल है सर अपना? इसको बोलते हैं पराओ, वैसे यहाँ बोलते हैं पराली। कल देखना। हाँ चलिए जी, राम राम। ओके। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज है 5 अक्टूबर और हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और टाइम हो रहा है अभी 7:10 और 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है। तो हमने कहा जाके आते हैं, अगर वहाँ वोट डालने स्टार्ट हो गए होंगे तो हम भी अपना मतदान करके आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वोट डाल के जा रहे हैं बुजुर्ग लोग। देखिए कुछ जा रहे हैं, कुछ वैसे घूम रहे हैं, और हम लोग आ गए इस तरफ वोट डालने के लिए। सुबह सुबह भीड़ हो गई है, इन्होंने सोचा शायद अभी चालू ही होगा। यहाँ देखो गाइस, यहाँ हो गई है भीड़, बाहर लग गई हैं गाड़ियाँ। अंदर दिखाते हैं कैसा हाल है। यहाँ पे है मतदान, इधर हो रहा है, इधर पर्ची कटती है अंदर। अब इधर हमारे पास तो पर्चियाँ हैं, हम जा रहे हैं अंदर सीधा। मीडिया वाले भी आए हैं क्योंकि भाई आज तो हरियाणा में वोट रेड कारपेट बिछा रखे है देखो मतदाताओं के लिए। लाओ मेरे पर्ची दे दो। ये है मेरी पर्ची, मैं भी जा रही हूँ। काफी लोग आ चुके हैं सुबह सुबह, वोट डाल दिया है। ये देखिए वो खड़े हैं वहाँ पे अभी लाइन पे। गाइस मैंने तो वोट डाल दिया है और वो लाइन में खड़े हैं अभी, और अभी भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो अभी भीड़ है नहीं खास। मुझे गर्व है मैंने अपने देश के लिए मतदान किया। सो गाइस काफी लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ये देखिए, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। चलते हैं, वोट डाल लिया है हम दोनों ने, अब चलते हैं। आज जल्दी हो गया, आज कम है भीड़, अब धीरे धीरे शुरू हो रही है आने, और लोग भी आ रहे हैं मतदान देने के लिए। ये देखिए बहुत तादाद में आ रहे हैं धीरे धीरे सिटीजन, जो बड़े बुजुर्ग है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं घर की तरफ, एक बड़ा काम तो हो गया हमारा, अब करते हैं घर के काम। कुछ काम वाम करके नहीं आए, खाना वाना कुछ, नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, सीधा यहीं आए हैं पहले, अब जाते हैं घर को। चलो जी, ये सब निकल रहे हैं वोट डाल के, बहुत भीड़ हो रही है। ये देखिए अब तो इससे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ होगी। ये बड़े बुजुर्ग भी जा रहे हैं सब वोट डालने के लिए। हाँ इतनी जल्दी, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मेरा तो जाती हो गया था, मैं पहली थी शायद, मेरे को लग रहा है। हाँ जेंट्स ज्यादा थे। सो गाइस काम वाम हो गया हमारा और हम वोट देके भी आ गए, जैसे कि आपने अभी देखा हम लोग गए हुए थे, ये देखो वोट का निशान। और अब छोटे मोटे घर के काम कर रहे हैं, हमारे एक प्लग खराब हो गया है, खट खट स्विच बोलते हैं ना स्विच वो खराब हो गया है, तो उसको तरह ठीक कर रहे हैं ये। लो भाई खोल दिया इन्होंने पिटारा, ये बटन बड़ी जल्दी खराब हो जा रहे हैं। हेलो बाय, चलो भाई चलते हैं। और खुशी नहीं आ रही गाइस, इसने मना बोल दिया, वो बोल रही है इतनी धूप में मैं कहाँ जाऊंगी, पर उसको क्या पता हम कहाँ कहाँ घूमते हैं ना। देखो यहाँ पे लग रहे हैं ये, जगह जगह पे बन रखे हैं, रिश्ते में नाम निकालते हैं ना। पीटीआई में, पॉलिटेक्निक में, सॉरी पॉलिटेक्निक में। हाँ वहाँ पे तो हमेशा ही होता है, हमारा आज इस बार यहाँ नहीं आया ना। चल रही भाई पर्ची, ये कौन सी? ये तो वही है कांग्रेस वाले। ये क्या है, यहाँ पे भी कुछ सरकारी है सीखने का, वोटिंग हो रही है यहाँ पे, आंटी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्कूल है ना सरकारी, कहाँ गया वो, आगे वो रहा दून वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे भी पढ़ रही है वोटिंग सामने। आज वोटिंग तो है भाई, वोटिंग कर रहे हैं लोग, अब देखो न्यूज में बताएंगे कितने परसेंट वोट पड़े हैं। दुकानें भी बंद है क्योंकि वोटिंग है ना, तो वोट देने गए हैं। रावण बन रहे हैं बड़े बड़े, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आ रहा है दशहरा और रावणों के पुतले तैयार होने वाले हैं। चंदा लेने आए, देख वहाँ पे देखो कैसे मूर्ति रखी हुई है, लक्ष्मी जी
गणेश जी, अरे बीच में कुबेर जी, पता नहीं किसने रखी है। चलिए गाइस आ गए घर पे। यहाँ जो अच्छी हवा चल रही है, बाहर तो बहुत तगड़ी धूप लग रही है भाई। हाँ यहाँ पे पेड़ के जैसे थोड़ा। गाइस देखो यहाँ पे पराली जलाई जा रही है और पूरा धुआं धुआं, इसी की वजह से अब धीरे धीरे धुंध लगने लग जाती है, क्योंकि ये जो धुआं है ना एनवायरनमेंट में फैल जाता है और यही धुआं फिर तकलीफ देता है बाद में। देखो ये किस चीज, अरे बेल तो नहीं है, बेल है गाइस, ये किस चीज का पेड़ है जो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, तो फिर क्या है यार, बेल तो देख क्या होगा, ये गुदगुदा सा। ये देखो गाइस इसमें कैसे स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ, दिख रहे ये देखो गाइस, हमारे गांव में इस समय घास काटते हैं ना, घास नहीं काटा, खुशी को जिज्ञासा हो रही है घास काटने की, चल मैं कटवाऊं घास, चल रही है। सनसेट ना देखो, तीन अलग अलग चारी रोशनी इधर से मिल रही है गाइस। ये देखो मैंने मम्मी के सिर पे जो ये बनाया ना, अच्छे लग रहे है ना। तो गाइज हमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दी है अभी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो धान है ना, हाथ से कैसे निकालते हैं बोलते हैं ना, हाँ निकालते हैं, हाँ मतलब छिटका छिटका के निकाल रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, रुको तो मैं से जा रही हूँ मैं, देखो हैं, हाँ हाँ देखो मैं जा रही हूँ और यहाँ ये लग रहे हैं धान छिटकाने पे ऐसे, मतलब ये पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो मशीनें आ गई है ना। और ये देखो ये हाथ से ले जा रहे हैं गठड़ी गठड़ी, और एक आगे से लोहे का ड्रम रखा हुआ है इन्होंने, और ये देखो वो बना के ना गट्टी जैसी, ये देखो सब लगे हुए हैं। ओहो नमस्ते भैया, ये धान छटका रहे हो ना आप लोग, ये कब तक कर लोगे, अब तो शाम हो गई, मैंने कहा शाम हो गई कर लोगे पूरा, कितने बजे तक हो जाएगा? अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हर जगह अलग अलग है, कुछ मशीनों से भी निकालते हैं धानों को, और ये पारंपरिक है भाई, पहले ऐसे ही होता था पहले के जमाने में, अब तो कई मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर आ गए इतने बड़े बड़े, अब ये सब छटका रहे हैं। हाँ हमारे गांव में पाँव से मसल के निकालते हैं ये, मैं भी जाके आती हूँ आगे। खुशी उधर ही खड़ी है हमारी, ओए होए क्या रे सांप वांप में निकल जाए, ये देखो सब लग रहे हैं है? हाँ और क्या, सब निकल जाएगा, वहां पे लगा रखे हैं लोहे के ड्रम आगे से तीन, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है, खुशबू। तुम्हारी वीडियो बनी गई है, वीडियो देखना, ब्लॉग आएगा, कौन सा चैनल है सर अपना? ये पहाड़ी ब्लॉगर शिखा शर्मा। हाँ फोन है क्या, फोन कर लो नहीं तो। ओहो लाइए फोन दिखाइए, मैं ही निकाल दूंगी, नेट चल रहा होगा। फेसबुक भी है इसमें, ये तो फोन बहुत हिल रहा है यार। ये देखो लगे हुए हैं भैया सब, जड़ से काटा है भाई इन्होंने, पूरा जड़ से काट दिया है और ये हो गया है, ये वाली पराली इसमें से धान झड़ गया पूरा, ये देखो आपको दिखाऊं नजदीक से। ये हमारे गांव में ऐसे ना, अब इसको भैंस के लिए रखते हैं सुखा के, ये भैंस खाती है। इसको बोलते हैं पराव, वैसे यहाँ बोलते हैं पराली, ये बहुत काम आती है, हर इससे कुछ बनता भी है, चटाई वटाई भी बनती है। तो चलिए चलते हैं, ये लोग तो भैया काम कर रहे हैं, हम लोग इनको कर रहे हैं डिस्टर्ब, तो हम लोग चलते हैं, कितनी मेहनत लगती है इस काम में। भैया देखना वीडियो देखना मैंने कहा, हाँ चलिए हमारी खुशी भी आ गई है, चल खुशी देख ऐसे करते हैं, देख गाँव में देखा तुमने, तो देखा नहीं होगा, इधर चाहो एक बार फोटो खींचू, हाँ धान काट में मानने लाएगी, देखो धान स्टाइल में
सब लोग ऐसा कल देखना। हाँ चलिए जी, राम राम, ओके बाय बाय बाय। तेरे पे जो अच्छा लग रहा है ये निकालो, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, मत निकाल। चल दिए घर की तरफ, शाम हो गई है, ठंडी ठंडी हवा और थोड़ा वॉक भी हो गई है। अब घर जाके करते हैं घर का काम, खाना वाना बनाना।